सो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम टू एपिसोड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुश्ताक मैक्स। और हम लखपत आए थे तो कहाँ, सिर्फ फोर्ट पे नहीं, पूरे लखपत को हम एक्सप्लोर करते हैं। और साथ में लियाकत भाई हो तो फिर हमें क्या चाहिए, मतलब जब स्वयं लखपत के जानकार इंसान हमारे साथ है तो हम पूरा लखपत घूमेंगे। गाँव के अंदर क्या क्या पुरानी मकान से है, क्या क्या पुरानी जो बिल्डिंग्स है, उस टाइम पर क्या सिस्टम थी, क्या सिचुएशन उस टाइम पर थी, अभी है, सुबह पूरा जानेंगे। देन सो फाइनली अभी हम वहाँ से, जैसे फोर्ट से घूमने के बाद हम यहाँ आए हैं दरगाह पे। और ये दरगाह का पूरी थोड़ी बहुत डिटेल बताएंगे हमारे लियाकत भाई, तो बताइए आप लियाकत भाई, आप जी क्या हाँ, तो फ़िलहाल हम है यहाँ पे गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जो टॉम्ब है, दरगाह शरीफ है। एक्चुअली में ये मतलब के 170 साल के करीब पुरानी है, और ये एक सूफी सेंट थे, सूफी सेंट हज़रत गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये इन्होंने मतलब काफ़ी जगहों पे सफ़र किया है, और लोग दूर दराज से मतलब आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं यहाँ से। और मैंने इनका जो काम है, जो मतलब कार्विंग की हुई है, पूरा इतना मतलब इंट्रिकेटेड वर्क इसमें किया हुआ है आप देखेंगे। और इसके पास यहाँ पे एक कुंड भी है, एक तालाब भी है, जिसकी वजह से जिसको मतलब स्किन की डिजीज़ होती है या चर्म की कोई बीमारियां होती है तो लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। तो ये एक मतलब श्रद्धा से जुड़ी हुई एक मतलब कहानी है यहाँ पे, तो ये भी हम देखेंगे। तो यस, मुझे अभी इम्तियाज़ भाई मिले और ये बोल रहे थे कि रात को दयापर में हम आपका ब्लॉग देख रहे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप, अब मुझे ये लग गया कि दयापर में भी लोग हमको देखते हैं यार। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर मैं बैठा था तो एक लड़का देख रहा था पूरा कि ये खावड़े का लड़का है, यूट्यूबर है, तो अभी आपको देखा था, जस्ट आपसे मिलने आ गया। अरे यार बहुत बहुत शुक्रिया यार, बस बहुत शुक्रिया। क्या नाम है छोटू का? मोहम्मद एजान। मोहम्मद एजान, एजान इम्तियाज़ और एजान, मतलब सही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुंड के सीन्स, क्योंकि अभी बात हुई, जैसे लियाकत भाई ने बताया कि इस कुंड में लोगों की एक श्रद्धा है, तो हम आपको दिखाएंगे वो सीन्स। यस, अभी मैं आया हूँ एक यहाँ पे है कस्टम घर। ये कस्टम उस टाइम का जो कस्टम घर था, क्या था, वहाँ पे मैं आया हूँ, उसकी पूरी डिटेल्स देंगे अभी लेकर भाई। तो फिर शुरू करते हैं कस्टम घर से, फिर उसके बाद हम आगे और भी दो तीन फ्लैट जाएंगे गांव के, कौन कौन से फ्लैट हैं, लेकिन पहले बात करते हैं इस कस्टम घर की। कस्टम हाउस, तो फ़िलहाल हम है लखपत के कस्टम हाउस में। कस्टम घर जो है यहाँ पे लखपत एक बड़ा जो बंदरगाह हुआ करता था, लखपत एक बड़ा पोर्ट था, कच्छ बल्कि गुजरात का सबसे एक बड़ा बंदरगाह तो लखपत था। ये जो कस्टम हाउस है, वहाँ से कांठा वाला जो एक गेट है, वहाँ से जो भी माल आता था, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से जो भी होता था और जो माल लाता था, जैसे कि लखपत आता था, लखपत में ये जो कस्टम हाउस है यहाँ पे ड्यूटी पे करते थे, और फिर मतलब कि कैमल कार्ट से, ऑक्स कार्ट से, उस टाइम पे यही चलते थे कैमल ऑक्स कार्ट, तो उससे फिर मतलब कि यहाँ मांडवी भूज और गुजरात के कई अनेक शहरों में यहाँ से माल जाता था। तो ये कस्टम हाउस है, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो माल की पे करते थे और फिर बाद में माल आगे बेचते थे। यस, अभी अब मैं घूम रहा हूँ लखपत। यार लखपत मतलब पुराने ज़माने के जो स्ट्रक्चर, पुराने ज़माने के जो पूरा गांव है, उस टाइम पे क्या सिस्टम थी, उस टाइम पे कैसे ये चलता था, अभी भी सब कुछ चीज़ें, सब चीज़ें, सब मकान वैसे उसी हालत में हैं। कुछ अर्थक्वेक की वजह से गिर चुके हैं, लेकिन कुछ है। देन अभी जैसे हमने हम कस्टम घर देखा, उसके बाद हम जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस। तो ये दिल्ली के बाद दूसरा पार्लियामेंट हाउस लखपत में है, तो अभी हम जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में और देखते हैं पार्लियामेंट हाउस मतलब क्या है और किस चीज़ के लिए काम आता था, वो अभी लियाकत भाई बताएंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं और ये गलियाँ मेरे को विंटेज फिल्म वाली वाइब्स दे रही है यार। विंटेज फिल्म यहाँ लखपत में शूट हो सकती है, विंटेज कोई भी हम शूट कर सकते हैं। अकबानी महल, अच्छा अकबानी महल भी यहाँ पे, और पार्लियामेंट हाउस महल ये पीछे, ये उससे पीछे
अच्छा उससे पीछे हम महल में जाएंगे, देन इससे पहले हम जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस जो कि वहाँ पे। और अच्छा यार सब डिटेल्स में बनाया हुआ है पार्लियामेंट हाउस, तो बहुत सही लग रहा है यार, मतलब आई लाइक इट, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे तो फोटो भी बनती है यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस। सो अभी हम आ चुके हैं पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस डिटेल्स आपको बताएंगे लियाकत भाई और सीन शूट करेंगे यहाँ पे। हम है पार्लियामेंट हाउस के पास में। ये जो पार्लियामेंट हाउस है उस टाइम पे लखपत में 18वीं 19वीं शताब्दी में जो भी बंदरगाह में के टाइम से है ये। उस टाइम पे जब लखपत बंदरगाह हुआ करता था, जो भी मतलब व्यापारिक लोग थे उनके बीच में कुछ भी ऐसे मसले आते, कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ भी बातें होती, तो वो उसका जो भी सुलझाव है उसके बीच में जो भी बातचीतें हैं सब कन्वर्जेशन जो भी है बिजनेस रिलेटेड वो यहाँ पे हुआ करता था। तो ये पार्लियामेंट हाउस उस ज़माने का है। यस हमने पार्लियामेंट हाउस को पूरा घूम लिया। पार्लियामेंट हाउस घूमने के बाद हम आए हैं अकबरी महल पे। अकबरी महल का दरवाज़ा बहुत छोटा है, छोटे से दरवाजे से हम जाएंगे, ये छोटा सा दरवाज़ा है, देन इससे हम जाएंगे, जा सकते हैं ना। बस अभी हम जा रहे हैं अकबरी महल के अंदर। भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं यार, यार ये तो बहुत सही जगह है यार कसम से भाई, सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई। So we here अकबरी महल, वेलकम टू द अकबरी महल। तो देखते हैं अकबरी महल, ये दीवार है, ये सेफ्टी दीवार है, जैसे हम यहाँ से आए तो यहाँ पे एक ऐसे दीवार रखी गई है क्योंकि बाहर से कोई भी लोग आते हैं तो डायरेक्ट जो भी घर में कोई मतलब महिलाएं औरतें वगैरह काम करते हैं तो उनको कोई देख ना पाए, इसलिए यहाँ पे जो दो हाउस है उसमें ऐसे सेफ्टी दीवार है। यहाँ बाकी ऐसे मतलब 2BHK की तरह पुरानी तरफ से ऑल स्टाइल से रूम बने हुए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से एक पहले कमरा है, फिर दूसरा कमरा है, फिर किचन है, हॉल है और एक अंडरग्राउंड में पानी का टैंक है। अभी हम जैसे बताते हैं सब गवर्नमेंट बोलती है सेव वाटर, पानी बचाइए, तो उस ज़माने में आज से 200-300 साल पहले के लोग मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी स्टोर करके रखते थे। तो वो हम आपको पानी का जो वाटर स्टोरेज टैंक है अंडरग्राउंड वो भी दिखाते भाई। ये अकबरी महल तो यार मुझे पसंद आ गया, मतलब इस टाइप का पूरा स्ट्रक्चर आई लाइक इट मैन, बहुत कमाल का है यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं उस टाइम पे जो पानी के लिए, जो पानी बचाने के लिए जो टैंक अंडरग्राउंड बनाते थे वो हम देखने जा रहे हैं। सो अच्छा ओ भाई मतलब इस, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको रुको रुको, मतलब इस टाइप का होता था पूरा, यू ना, ये अंडरग्राउंड उसके लिए बनाया था पानी बचाने के लिए। तो ये पूरा यहाँ पे घर है, ये पूरा यहाँ पे घर भर है, तो घरों के साथ ही अंडरग्राउंड यहाँ पे एक वाटर टैंक भी है। तो यार ज़माने से चली आ रही है ये, जैसे कि पूरा हॉल है, फिर अंदर एक कमरा, फिर साइड में दूसरा कमरा, तो दो बेडरूम है, यहाँ पे हॉल आ गया, वहाँ पे एक मतलब के किचन बना हुआ है। तो इस तरीके से पूरा पुरानी स्टाइल से पूरा मकान से रूम्स बने हुए लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त, देखते हैं तो पूरा हम इमेजिन करते हैं कि कितना सुंदर बनाया है। मतलब ये तो मुझे बहुत ही सही जगह लगी यार, अकबरी प्लेस कितना बड़ा अमेजिंग उस टाइप का स्ट्रक्चर था, देखो पूरा गिर गया है, लेकिन जिस तरीके से हमें लियाकत भाई ने बताया और हम जो देख रहे हैं उस हिसाब से ये एक अमेजिंग जगह थी, क्योंकि उस टाइम पे ये सब कुछ सोचना, ये सब कुछ करना, यार मतलब सच में लखपत एक लाखों करोड़पति लोगों का शहर था। और उस साइड भी आप देख सकते हो मकान, तो मुझे ऐसी जगह पे जाना बहुत पसंद आता है, मैं विंटेज जगह पे मुझे जाना पसंद होता है। सो ये भी एक कमाल की जगह है। भाई ये अकबरी पैलेस तो पता नहीं क्या अमेजिंग जगह है, ये देखो
यहाँ के कुछ ऐसे हैं। हमें भी जगह उस टाइप का स्ट्रक्चर क्या कहने में। सो यहाँ पे आए और आपने अकबानी महल ना देखा तो आप यहाँ पे आए क्यों ये बताओ। अब बस हमने अकबानी महल पूरा देख लिया, पूरा घूम लिया और ये बहुत ही अमेजिंग जगह है और इसका श्रेय जाता है सिर्फ लियाकत को क्योंकि उन्होंने हमें ये जगह दिखाई है। वरना मैं तो वहाँ से ही फोर्ट वॉर्ट घूम के निकल जाता, मुझे अंदर नहीं पता था कि लखपत में इतना कुछ एक्सप्लोर करने जैसा है और विंटेज जगह हो वो मैं खींच लेती है। सो अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा क्योंकि लखपत आए और गुरुद्वारा न गए तो लखपत आए क्यों ये बताओ। सो सिंस कुछ ऐसे हैं कि हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पे।